दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनेशन में आता है, बैंक में हो, सीटीईटी में हो, या फिर अदर कोई पीएससीज हो, एसएससी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पाइप एंड सिस्टर्न से आपका क्वेश्चन आता है। तो पाइप एंड सिस्टर्न ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी चैप्टर है, आप मन में पहले ही बिठा लीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो भी वेरिएशन है, इसका दो क्लास हमने किस तरह का क्वेश्चन आता है और बेसिक कंसेप्ट पे हमने चर्चा की थी। आज हम डिस्कस करते हैं जिसमें तीन पाइप का है, तीन पाइप, दो पाइप इस तरह से फिलअप करता है, जिसमें हमारे पास दो क्वेश्चन हमने एग्जांपल ग्रुप में लिया है। प्लस इसका जो और बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कि सोचते कैसे हैं किसी भी क्वेश्चन पे, कि कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो शुरुआत से जस्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक पाइप है, सिस्टर्न है, इस पे दो पाइप लगा हुआ है, ए और बी। ठीक है, ए और बी जब दो पाइप लगा हुआ है, और मान लीजिए कि ये ए आवर्स में फिल करता है और ये बी आवर्स में फिल करता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो टाइम लगता था, हम लोगों ने ये रिलेशन डिराइव किया था 1/a + 1/b। ठीक है, तो पाइप तो 1/a + 1/b, इसी का जब आप ये देखने जाएंगे कि टाइम जो आपका आ जाएगा यहाँ से रिलेशन ab/a + b। तो ओवरऑल हम लोग इसको सीधा सीधी अभी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हम लोग कंसेप्चुअली 1/t = 1/a + 1/b सीधा सीधी कैसे देखेंगे, दो पाइप है, एक ए आवर्स में फिल करता है और दूसरा बी आवर्स में फिल करता है, तो दोनों एक साथ कितने समय में फिल करेगा। तो सीधा सीधी हम लोग करेंगे ab/a + b, टोटल इक्विवेलेंट टाइम जो लगेगा जब दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली जब चलेगा तो कितना लगेगा। तो इसका एक्सप्रेशन ये हो गया। अब यहाँ पे यदि हम तीन पाइप ले लें, तीन पाइप लेने में क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा देख लीजिए। तो यदि तीन पाइप है तो तीन पाइप के लिए जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा, ये तीन पाइप एक साथ चले, मान लीजिए कि ये ए आवर्स लगता है, ये बी आवर्स लगता है और इसको सी आवर्स लगता है, तो ये तीन पाइप को एक साथ यदि हम लोग चलाएं तो इक्विवेलेंट टाइम जो हो जाएगा 1/t = 1/a + 1/b + 1/c। तो इसका जो भी इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, देखिए एलसीएम देने के बाद ab/ab + bc + ac। ठीक है, तो सीधा सीधे डायरेक्टली हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप तीनों पाइप जब एक साथ खुला रहे तो कितने समय में जो है ये टैंक जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला डायरेक्टली भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि टू पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली, द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 12 आवर्स। जब दो पाइप है, दोनों पाइप जो है वो एक साथ चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है, तो टाइम लगता है 12 आवर्स। ठीक है, और सेकंड इसका आपका है कि वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। तो पहला पाइप जो है P1 मान लीजिए, ये P2 मान लीजिए, तो पहला पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 10 घंटा ज़्यादा लेता है। तो मान लीजिए यदि पहला पाइप एक्स रहे तो दूसरा x+10 होगा, या फिर इसको एक्स मानेंगे तो x+10 होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि एक पाइप से 10 घंटा ज़्यादा लगता है इसको, और इक्विवेलेंट टाइम जो है हमारा वो 12 आवर्स है। तो जब 12 आवर्स है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/t = 1/a + 1/b। इसी एक्सप्रेशन पर रख देंगे। तो यदि आप इस पे पुट करना चाहें तो 1/x + 1/x + 10, यहाँ से आप x का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो P1 पाइप कितने आवर्स में फिल करेगा वो आप निकाल सकते हैं, और P2 पाइप कितने आवर्स में फिल करेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया। तो इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला पे यदि आप अप्लाई करें तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ये आप देखिए। तो ये आपका x × x + 10 है, तो आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम लोग देखे थे x × x + 10 / x + x
ये हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट टाइम जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 12 आवर्स, ठीक है, इतना इक्वल टू 12। यहाँ से आपका जो है क्वाड्रेटिक टाइप का एक इक्वेशन आएगा, वहाँ से आप सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जब सॉल्व करते हैं एक्स का वैल्यू एक 20 आता है और एक -6 आता है, तो -6 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये तो निगेटिव होगा नहीं, तो 20 आवर्स में ये फिल करेगा, दूसरा आपका 30 आवर्स में फिल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं इसको। चलिए हम लोग अब जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ का पहला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर इन 10 आवर्स एंड ए एंड सी 7.5 आवर्स। ए और बी को मिला के 6 घंटा लगता है, बी और सी जब चलता है तो 10 घंटे लगते हैं, ए और सी जब होता है तो 7.5 घंटे में फिल कर देते हैं। तो बोलते हैं इन हाउ मच टाइम ए एंड बी, ए बी एंड सी फिल टैंक सेपरेटली। ये जो है तो हम देखते हैं। तो बेसिकली आप ये दिमाग में ये आपका फिगर आ रहा होगा कि तीन पाइप लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये ए बी सी, एक तीनों पाइप का जो टाइमिंग आपका दिया हुआ है ए बी जो है मिलके 6 आवर्स में फिल करता है। तो हम लोग तो इसको 1 घंटे में हमेशा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यदि मान लीजिए कि ए आवर्स में फिल करे, ये बी आवर्स में फिल करे, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/a और ये आपका हो जाएगा 1/b, माने ये ए आवर्स में, ये बी आवर्स में, ये सी आवर्स में फिल करता हो, तो आपका हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। 1 घंटे में जो है आपका पहला जो इक्वेशन है ए एंड बी टुगेदर फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन देखते हैं 1/b प्लस 1/c, बी एंड सी टुगेदर इन 10 आवर्स, बी सी दोनों मिलके 10 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना होगा 1/10। 1/a प्लस 1/c ये आपका आ जाएगा 15/2 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका उलट जाएगा, तो ये आपका 1 घंटे में कितना है 2/15 पार्ट ऑफ द टैंक जो है आपका फिल करेगा। तो ये आपका हमारा 3 इक्वेशन आ गया। इसी 3 इक्वेशन से यदि आप बना लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। कैसे, क्या कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए बी, ए ए आवर्स में फिल करता है, बी 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 आवर्स में फिल करता है और सी सी आवर्स में फिल करता है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए बी मिलके 6 आवर्स में फिल कर रहा है, तो ए बी मिलके 1 घंटे का निकालते हैं, ए 1 घंटे 1/b, 1 घंटे में 1/b और 6 आवर्स है, तो 1 घंटे में 1/6 ऑफ द टैंक जो आपका फिल करेगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद आप देखिएगा इसको 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तीनों इक्वेशन को। तो तीनों इक्वेशन जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 1/a 1/a 2 बार है, 1/b 1/b 2 बार है, 1/c 1/c 2 बार है, तो क्लियरली 2 × 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और इधर का जो पार्ट हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/10 प्लस इक्वल टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। और ये देखिए 2 है यहाँ पे, इसको 1/2 कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन ये आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जब हमारा ये इस इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, तो जब 1, 2, 3 इसको इस तरह से लिख देते हैं, 1, 2, 3 इक्वेशन आपका इस तरह से है, तो अब फोर्थ इक्वेशन जब हम जोड़ने के बाद हमारा इस तरह का आया, तो इस इक्वेशन में से जब पहला माइनस कर देंगे, ये देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और इसमें से इसको यदि हम माइनस कर दें तो हमारा 1/c पार्ट आ जाएगा, यहाँ से आप c निकाल सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपका 1/a का वैल्यू आ जाएगा, इसमें से जब इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिए तो आपका 1/b का वैल्यू आ जाएगा, तो वहां से आप ए बी सी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सोचते हैं कि ये तो हमारा जस्ट जो भी कंसेप्ट है उस बेसिस पे हम लोग इसको निकाल लिए कि चलो ए बाय ए जो है बी है सी है,
तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी ये होगा, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी ये होगा, 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी ये होगा। तीन इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वेशन 4 मान लिए तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 करके ए बी सी का वैल्यू आ जाता है। इसी को हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ए एक घंटे का ही है। एक घंटे में मान लीजिए कि पाइप जो ए है, ए प्लस बी एक घंटे में 1/6 आवर्स, ठीक है। ये हम पहले ही सोच लेते हैं कि एक घंटे पे ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो पाइप ए और बी है दोनों मिलके जो है 1/6 आवर्स में ये करता है, ठीक है। पाइप बी और सी मिलके जो आपका बी और सी जो था आपका 10 आवर्स में, तो 1/10 कर देगा एक घंटे में, 1/10 पार्ट ऑफ द टैंक। सी प्लस ए ये जो है आपका, ये आपका 15/2। तो यहाँ से आप सीधा देखेंगे तीनों को जोड़ने के बाद 2 × a + b + c निकल जाएगा आपका। ये सब एक घंटे की बात है, तो ये आपका पार्ट हो गया 1/6 + 1/10 + 15/2, ठीक है। अब देखिए इतना पार्ट जो है टैंक इतना में करता है, तो केवल a प्लस बी प्लस सी कितना करेगा, इसका आधा करेगा। तो यहाँ से आप कंसेप्चुअली a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है आपका हाफ इंटू ये करके निकाल सकते हैं। फिर जब आपका ये वैल्यू आ गया, वहाँ से इक्वेशन 1 को माइनस करिए, इक्वेशन 2 को माइनस करिए, इक्वेशन 3 को माइनस कर लीजिए, तो कमोबेश ये पहले इक्वेशन की पहला जो मेथड है उसी की तरह है। तो अंतर यही कि हम पहले से ही सपोज कर लिए यहाँ पे कि ये एक घंटे की बात ही कर रहे हैं, तो एक घंटे की बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी एक घंटे में जो है ए पाइप जितना फिल करेगा, बी घंटे में घंटे, ये पहले से हम सपोज कर लिए माइंड में। चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीका से, मेथड थर्ड देखते हैं इसका, कि दूसरे तरीका से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका मेथड थर्ड लेते हैं हम लोग कि ये देखिए। मेथड थर्ड लीजिए कि सिंस हमारे पास तीन पाइप है ए बी सी, तो हमारे पास तीन पाइप है ए बी सी, ठीक है। और हमको प्रोवाइड किया हुआ है कि ए और बी मिलके 10 घंटा लगता है, बी और सी मिलके सॉरी ए बी मिलके 6 घंटा लगता है, बी सी मिलके 10 घंटा लगता है, और ए सी मिलके ये प्रोवाइडेड है। तो हम क्या करते हैं कि आप एक साथ अप्लाई कर दीजिए कि ए बी सी तीनों को मिला के कितना समय लगेगा, टोटल टाइम कितना मिलेगा, ठीक है। ए बी मिलके जितना समय लगता है, कहने का मतलब ये हुआ आपको कि आप इस तरह से सोच लीजिए इसको कि ये देखिए, इसको मान लीजिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और थर्ड आपका आ गया सी प्लस ए, ठीक है। ये तीन पाइप मान लेते हैं हम इसको, ए प्लस बी मिलके 6 आवर से फिल करता है, बी प्लस सी मिलके इतने घंटे में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका। तो जब इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे तो सीधा निकल जाएगा, देखिए ए प्लस बी तीनों पाइप मिलके, तो एक पाइप में ए बी है, दूसरे पाइप में बी सी है, तीसरे पाइप में सी है, इसका मतलब क्या हो गया, सब में दो पाइप ए, दो पाइप बी, दो पाइप सी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 6 आवर्स, ये आपका दिया हुआ है 10 आवर्स, ये आपका दिया हुआ है 15/2 आवर्स। इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम लोग, कितना इक्विवेलेंट इसको जब एक साथ तीनों चलेगा तो कितना देर लगेगा, तो सीधा सीधी हमारा जो फॉर्मूला था 6 × 10 × 15/2 / 6 × 10 + 10 × 15/2 + 6 × 15/2, ये हमारा इक्विवेलेंट टाइम हो गया। ये टू इज दो पाइप ए बी सी मिलके इतना समय में करता है, तो सिंगल में कितना हो जाएगा 1/2, ए प्लस बी प्लस सी जो भी वैल्यू होगा ये हाफ इंटू ये आपका निकल जाएगा। और जब ये आपका वैल्यू निकल गया तो यहाँ से आप ए प्लस क्लियरली माइनस करने के बाद जो है आप निकाल सकते हैं ए प्लस बी जो एक घंटे में 1/6, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेन हमारा यहाँ पे मकसद क्या है कि ए बी सी तीन पाइप है, तीनों को मिला के एक जगह ले आना। तो अच्छा इसको हम डायरेक्टली एक और इसका मेथड कैसे अप्लाई करेंगे ये देख लीजिए।
डायरेक्टली मेथड अप्लाई करते हैं, इसे कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए, जैसे आपका क्लियरली 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी आपका मान लीजिए 1 बाय एक्स, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी 1 बाय वाई, और 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए ये आपका हो गया 1 बाय जेड। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ने के बाद 2 इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। ठीक है, अब देखिए जब हम अच्छा इसको यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे देते हैं, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 1 बाय सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड माइनस ये पार्ट हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स। यहाँ से इक्विवेलेंट देखिए हाफ एक्स है माइनस 1 बाय, तो माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड माइनस 1 बाय एक्स। आपका सीधा सीधी यहाँ से आपका 1 बाई सी इज इक्वल, ये इक्वेशन आ गया। मतलब जब सी को निकालना है, ये देख लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन से सी निकलेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 बाई एक्स उसका हाफ, ये रिजल्ट देख लीजिए। इसी तरह से आप बी के लिए निकाल सकते हैं, सी के लिए। तो डायरेक्टली यदि आप इसको अप्लाई कर दें इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोचने कैसे सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन को, ये देखिए पहला था कि हम लोग लिख करके, अब इतना समय तो रहता नहीं कि साढ़े को लिखेंगे, तो साढ़े को ना लिख करके फाइनली रिजल्ट को हम लोग देख लेते हैं, कि रिजल्ट को समझ लेते हैं भाई कैसे क्या हुआ। तो 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय वाई प्लस 1 बाय, तो जो सी निकाल नहीं तो इसमें है नहीं, इसको बस निगेटिव कर देना है, हाफ कर देना है, ये सीधा आपका डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को देखिए। अब कह रहा है कि ए बी सी फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी फिल इन 8 आवर्स। मतलब कह रहा है कि 2 घंटा तीनों चलता है, 2 घंटा तीनों चलने का क्या मतलब है, ए बी सी तीन पाइप है आपका, 2 घंटा तीनों चलता है मतलब 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। 2 घंटा एक घंटे का हो गया, एक घंटे का तो सबका एक घंटे का, ये 2 घंटे तक तीनों एक साथ चला। उसके बाद कह रहा है फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स, और 6 आवर्स मतलब क्या हुआ कि 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी का वैल्यू आपका दिया हुआ 1 बाय 6। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स 2 घंटा काम किया, सी इज क्लोज, सी को बंद कर देते हैं एंड ए एंड बी फिल इन 8 आवर्स, 8 घंटे में इसको जो है आपको फिल करता है। तो 8 घंटे में फिल करता है कौन, तो समय सी जब बंद हो गया तो बस चलेगा कौन सा, ए और बी, तो प्लस 8 घंटा और ए बी जो है 1 घंटे का ये आपका है। ठीक है, तो ये 2 घंटा चला और ये उसके बाद फाइनली जो है आपका टैंक जो होता है फिल हो जाता है, फिल होने का मतलब एक टैंक फिल होता है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ से देख लीजिए 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी का वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है 6 आवर्स, तो आपको ये लिख लीजिए 2 इंटू 1 बाय 6 प्लस 8 इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1। यहाँ से आपको 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अच्छा, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी का वैल्यू मिल गया और यहाँ पे 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ से माइनस करने का 1 बाय सी का वैल्यू आपको इनवी सिस्टर्न फील्ड बाय सी, सी कितना देर में फिल करेगा ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ये आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। अब इसको यदि दूसरे तरीका से हम लोग सोचें इसी क्वेश्चन को तो कैसे ये सॉल्व किया जाए, ये देखिए एबीसी फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स, 6 घंटा तक में फुल कर देता है आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स आपका जो है 3 चला, तो 2 घंटा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी चलेगा, तीनों चलता है, उसके बाद 2 घंटे चलने के बाद सी को बंद किया जाता है, तो 2 घंटा चला तो मतलब कितना ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 1 बाय 6 पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा, तो 2 घंटे में कितना हो गया 1 बाय 3 पार्ट ऑफ द टैंक इन 2 आवर्स, 2 घंटे में जो है आपका 1 बाय 3 पार्ट ऑफ द टैंक आपका फुल कर दिया, मतलब बच कितना गया 2 बाय 3 टैंक।
टू बाय थ्री ऑफ द टैंक को ही ए और बी को कितना समय लगता है, 8 आवर्स, शायद 8 आवर्स था, हाँ 8 आवर्स। अब देखिए 2/3 ऑफ द टैंक को यदि फुल करने में 8 घंटे लगेंगे तो पूरा टैंक को कितना लगेगा, 2/3 मतलब 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है, ये 4 घंटा, ये 4 घंटा, तो 2/3 होने में 8 घंटा, तो फुल टैंक जो है फुल होने में और 4 जोड़ दीजिए सीधा सीधे यहाँ से, 4 + 4 + 4 इज 12 आवर्स, तो टोटल जो हो जाएगा आपका 12 घंटे में आपका ये टैंक फुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय सी, सी पाइप जो है आपका 12 घंटे में आपको फिल कर देगा, सॉरी ये आपका 2/3 ऑफ, ये आपका ए प्लस बी का आ गया, ए प्लस बी आपको जो है 2 + 12 आवर्स का हो जाएगा। अब 1/a + 1/b + 1/c आपको दिया हुआ है 1/6 और ए प्लस बी आपका 1/12, वहां से माइनस करिएगा तो उसका भी वो 6 घंटे ही आ जाएगा, तो C का जो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 आवर्स ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, एक तो जस्ट लॉजिकली कैसे बनाया जाए, दूसरा है कि जस्ट फॉर्मूला पे पुट करिए, कैसे इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन में सॉल्व करके आप उसको आंसर ला सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर हम पाइप एंड सिस्टर्न का जो भी अच्छा सा क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इसी तरह की वीडियो इस पर अपलोड करते हैं जिसमें कम समय में क्वेश्चन इजी वे में कैसे सॉल्व किया जा सके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद।